आपको आम दिया है तो आम में पपीता और ये गाजर से ज्यादा आपको पाए जाएंगे क्या विटामिन ए। ठीक है, आगे देखते हैं। फलों में सबसे ज्यादा विटामिन सी बारबाडोस फिर आंवला में पाया जाता है, मतलब कि आपको आंवला अगर दिमाग में आता है तो विटामिन सी, और विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है, ऐसा आप एकदम से पाल लिए दिमाग में कि यही है, आंवला में ही सबसे ज्यादा, लेकिन बारबाडोस में सबसे ज्यादा पाया जाता है। चूंकि बारबाडोस इंडिया में नहीं पाया जाता इसलिए आप इससे अनभिज्ञ हैं, लेकिन ये और के कंट्री में और देशों में पाया जाता है बारबाडोस। तो आपको इसमें अगर आपको प्रश्न में ऑप्शन दिया जाएगा तो आपको बारबाडोस टिक करना है। ठीक है, आंवला उसके बाद होता है। ठीक है, सेब लीची नींबू में चाइना का प्रथम स्थान, सेब लीची और अखरोट इसमें चाइना का प्रथम स्थान है। ठीक है, आपको इसको याद कैसे करना है, नींबू जैसा खट्टा है चाइना हमेशा बढ़ते जाता है, लीची भी छोटा होता है, अगर चाइनीज लोग छोटा होते हैं, अखरोट भी है छोटा चीज है, मतलब तीनों गोल गोल होते हैं, छोटे होते हैं, तो वो तीनों चाइना में है, क्यों चाइना के लोग छोटे होते हैं गोल मटोल होते हैं, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और लाल होते हैं उनका फेस देखेगा तो थोड़ा लाल रहेगा, क्योंकि वो सब आप मंगोलाइड के बारे में जानते होंगे, मंगोलाइड लोग थोड़ा लाल होते हैं, तो मंगोलिया कहाँ पे है, चाइना के थोड़ा ऊपर है, तो कुछ लोग चाइनीज भी लाल होते हैं, तो सेब की तरह लाल भी होते हैं। तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं कि सेब लीची नींबू और अखरोट में चाइना का प्रथम स्थान है। ठीक है, अगर मैं बात करूं नींबू की तो नींबू भारत में सबसे ज्यादा आंध्रा में होता है, लीची बिहार में होता है सबसे ज्यादा, और सेब जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम का शरीर में क्या काम है, पोटेशियम का काम है हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करना। ठीक है, जो हृदय की धड़कन होता है उसको संचालित कौन करता है, पोटेशियम करता है। ठीक है, और सोडियम की क्या काम है, पोटेशियम के एक सोडियम भी तत्व होता है, तो सोडियम का तत्व क्या है कि आपके जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करता है सोडियम, लेकिन धड़कन को कौन कंट्रोल करता है या नाड़ी में जो ब्लड भरते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, कार्यों को संचालित करता है पोटेशियम करता है, यानी कि पोटेशियम और सोडियम एक दूसरे से जैसे ही लगते हैं, वो प्रेशर कंट्रोल करता है और ये उसी प्रेशर को धड़कन और जो नाड़ी होता है यानी कि वेन और आर्टरीज होते हैं, जो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेन और आर्टरीज, उसके जो कार्य होते हैं जिससे ब्लड आता है, ब्लड सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी में, तो उसका कार्य को संचालित कौन करता है, पोटेशियम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पे कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, प्रकाश संश्लेषण जो आपका जो दिन है कौन से वैज्ञानिक दिए थे, मेल्विन केल्विन, आपको याद कैसे करना है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, दिन में होता है रात में तो होता नहीं, यानी कि दिन में क्या होता है टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर केल्विन का सूचक है। ठीक है, केल्विन से हम टेम्परेचर को डिनोट करते हैं, तो इससे हम याद करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार किनको मिला था, मेल्विन केल्विन को। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स, एक वर्ड आता है हाइड्रोपोनिक्स, इसको हिंदी में अगर बोले तो जल संवर्धन कहेंगे, नाम से ही पता चल रहा है जल संवर्धन, अब हाइड्रो, हाइड्रो मतलब ही जल होता है, बर्ड से आप पकड़िए, कुछ कुछ जी के आपको ऐसे लगेंगे कि जो आप बर्ड से ही आप इजी वे में याद कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स मतलब क्या होता है, बिना मिट्टी का पादप उगाना। एक्चुअली आपने देखा होगा कि घर पे क्या होता है, मनी प्लांट होता है, उसमें आप देखे होंगे कि जो बॉटल होते हैं बॉटल में पानी भर दिए जाते हैं, उसमें से एक पेड़ लता उगती है, तो उसमें क्या होता है कि वो जो आप मनी प्लांट रखते हैं उसमें क्या है कि वो प्लांट होता है, उसके लिए आप पानी डालते हैं उसमें, उसमें मिट्टी नहीं डालते हैं, तो उसी तरह के जो पौधे होते हैं उसका जो मतलब कि उस तरीके से हम उगाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, बिना मिट्टी का उगाएंगे तो उसको कहेंगे हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि जल से हम उगा रहे हैं सिर्फ, मिट्टी हमें उसके लिए चाहिए ही नहीं। ठीक है, सेंट्रिन, सेंस्ट्रीन। ठीक है, सेंस्ट्रीन मतलब एक दवाई होती है, वो बुढ़ापा रोकने के लिए दवाई होती है ये, सेंस। ठीक है, टेरिन। ठीक है, सेक्स टेरिन को आप याद रखते हैं, सेक्स टेरिन इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, मेरा मतलब कि उस तरीके का वो नहीं है कि आपको मतलब कि गलत चीजें बताना है, बस अपन इस तरीके से बर्ड को इधर उधर घुमा के याद करेंगे ताकि आपको याद हो, तो सेक्स टेरिन को सेक्स टेरिन याद करेंगे। सेक्स टेरिन मतलब कि अगर बुढ़ापा नहीं आएगा तो लोग क्या सोचते हैं कि हमारा बुढ़ापा ना आए, मतलब कि हैप्पी सेक्सुअल लाइफ हो, इस तरीके से आप सेक्स टेरिन को यूज कर सकते हैं जिससे बुढ़ापा रोका जा सकता है। ठीक है, आगे है,
टेटनस, टेटनस एक बीमारी है, जैसे कि आपको कहीं के कट जाता है या आप लोहे से कट जाता है, तो आपको क्या करते हैं लोग कि टेटनस का सुई लगवा दो, इंजेक्शन लगवा दो, ठीक है। तो टेटनस वो होता है क्या है, उसमें जो लोहे वगैरह में जो बैक्टीरिया होते हैं जो उस पर बैठे रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि उस पर कुछ नहीं होते, जीव वहाँ पे भी रहते हैं, तो उस पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो जैसे ही आपका स्किन कटता है, तो जैसे ही कटता है वो अटैक कर देते हैं आपके जहाँ पे कटा हुआ भाग रहता है उस पर अटैक कर देते हैं। तो वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, कोलेस्ट्रीडियम, ठीक है, कोलेस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया का नाम है जिसके कारण टेटनस होता है। अब याद करेंगे कैसे, कोलेस्ट्रीडियम, कोलेस्ट्रीडियम क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल ब्लड से निकला है, कोलेस्ट्रीडियम जो ब्लड में होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है, ब्लड में होता है। तो ब्लड जैसे ही आपके स्किन से बाहर आएगा, बैक्टीरिया उस ब्लड में घुस जाएगी और आपको ये कोलेस्ट्रीडियम बैक्टीरियम टेटनाई जो बैक्टीरिया है वो आप पे आक्रमण कर देगी, तो आपको टिटनेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको कट छट जाता है तो आपको टिटनेस, या आपको ये नहीं है कि लोहे से ही कटना है, ये लोग ऐसा पाल देते हैं दिमाग में कि लोहे से कटेगा तभी टिटनेस होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ किसी भी चीज से आपको कट जाए, आपको एक खरपतवार से भी कट जाए, आपको लकड़ी से कट जाए, तब भी आपको वो हो जाएगा, टिटनेस हो सकता है, लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि आपको लोहे से ही कटना है। गांव देहात में क्या होता है कि लोग बोल देते हैं कि सिर्फ लोहे से कटने से होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको किसी भी चीज से कटने से हो सकता है, क्योंकि वहां पे वो क्या करता है, अटैक करता है खून पे, तो खून जैसे ही कॉन्टेक्ट में आती है एनवायरमेंट के, वहां पे अटैक करता है, ये कोलेस्ट्रीडियम टिटनाई बैक्टीरिया, ठीक है। आगे है कॉकरोच का उत्सर्जन तत्व क्या कहलाता है, मालपिगहेनिया ट्यूबेल्स, ठीक है, मालपिगहेनिया थोड़ा लंबा नाम है लेकिन अपन को याद करना है क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न आ चुके हैं। एक्चुअली कॉकरोच होता है क्या है, इस तरीके का कॉकरोच होता है, मैं तो बढ़िया से बना नहीं पाया हूँ, ये इसका ये है कॉकरोच है, तो इस तरीके से ये कॉकरोच है, इसका जो ये बॉडी होता है इसी से ये टूटा टूटा सा थोड़ा थोड़ा बॉडी रहता है, इसी से ये अपना उत्सर्जन करता है, तो उसको क्या कहते हैं, मालपिगहेनिया ट्यूबेल्स, ठीक है। तो इसको अपन याद कैसे करेंगे, ये जो कॉकरोच होता है माल अपना निकालता है, माल मतलब कि गंदा जो माल होता है उसके शरीर का, पिग मतलब क्या होता है सुअर, और सुअर क्या होता है कि गंदे सुअर को, जैसे ही हम बात बोलते हैं सुअर दिमाग में आता है तो क्या दिमाग में आता है कि कुछ गंदा चीज, पिग मतलब क्या होता है, कुछ गंदा चीज आपके दिमाग में आ जाता है, कहते हैं कि सुअर जैसा काम करता है मतलब कि गलत मतलब गंदा काम करता है, तो पिग से दिमाग में आता है कोई गंदा, तो माल होगा गंदा, माल होगा गंदा निकालेगा अपना पिग हैनिया से ट्यूबल से, ठीक है, अपना गंदा माल पिगहेनिया ट्यूबल से, इस तरीके से आप इसको आसानी से, आपको याद नहीं करनी है, आपको वर्ड में ही सर्च करनी है कि कैसे आप याद करेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा नेशनल अवार्ड, एक लास्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सबसे ज्यादा नेशनल अवार्ड सवाना आदमी को मिला है, आपको पता है कि नेशनल अवार्ड बहुत जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बाद सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे मिलता है, ठीक है, ये फिल्म इंडस्ट्री में, तो सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, सबसे ज्यादा बार नेशनल फिल्म अवार्ड सवाना आजमी ने, ये कितने बार जीते हैं, 5 बार। तो ठीक है, इस तरीके से आज आपको मैंने कई सारे जीके बताया, कैसे मेथड भी बताया कि कैसे आपको याद करना है, तो अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए, धन्यवाद।